लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियों में केयर्न ऑयल एंड गैस तथा चौटन हस्तकला फाउंडेशन भागीदारी निभाएंगे। इसके लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन की उपस्थिति में स्वीप नोडल अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी के साथ केयर्न ऑयल एंड गैस के अनुपालन प्रबंधक सुनील अगस्ती तथा चौटन टेक्सटाइल हस्तकला फाउंडेशन के प्रतिनिधि नाथुराम गर्ग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान बुधवार से मतदाता जागरूकता को लेकर शुरू होने वाले सतरंगी सप्ताह के पोस्टर बैनर का भी विमोचन किया गया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियों में केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा चौटन हस्तकला फाउंडेशन भागीदारी निभाएंगे। इसके लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन की उपस्थिति में स्वीप नोडल अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी के साथ केयर्न ऑयल एंड गैस के अनुपालन प्रबंधन सुनील अगस्ती तथा चौटन टेक्सटाइल हस्तकला फाउंडेशन के प्रतिनिधि नाथुराम गर्ग ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान केयर्न ऑयल एंड गैस की सीएसआर प्रबंधक संध्या ठाकुर, वरिष्ठ प्रबंधक शैलेश शर्मा, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अनंत आर्य, डॉक्टर रामेश्वरी चौधरी, कुंज बिहारी जोशी एवं विष्णु दत्त उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने वृत्त स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। स्वीप नोडल अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने मतदाता जागरूकता मंच गठित करने एवं मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने के बारे में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने केयर्न कार्मिकों के साथ मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के बारे में निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन एवं स्वीप नोडल अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने चौटन टेक्सटाइल हस्तकला फाउंडेशन की ओर से हस्तशिल्प से तैयार किए गए मतदाता जागरूकता संबंधित बैनर का विमोचन किया। मैं स्वीप गतिविधि के तहत जिला प्रशासन और जो यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक संगठन है उनके साथ में एमओयू साइन किए गए हैं। एक एमओयू जो है चौटन टेक्सटाइल हस्तकला फाउंडेशन उनके साथ साइन किया है जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने। ये जो फाउंडेशन है इसमें 500 से ज़्यादा हस्तशिल्पी जुड़े हुए हैं। इसी के अलावा एक जो केन एनर्जी है उनके साथ में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इस एमओयू का उद्देश्य वोटर्स अवेयरनेस लाना है और साथ ही जो मतदान दिवस है उस दिन ये सभी कंपनियाँ अपने कार्मिकों को अवकाश प्रदान करेगी और उन्हें मतदान के लिए जागरूक करेगी। ये हस्तशिल्पी जो हमारे यहाँ पे जो परंपरागत एम्ब्रॉयडरी का काम होता है उससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी हैं। ये हस्तशिल्पी अपने एकदम ग्रामीण क्षेत्र जो हैं जो ढाणियाँ हैं वहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि वे अपना मतदान करें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं। जो अभी जो पोस्टर का विमोचन किया गया ये हमारे यहाँ पर जो पैचवर्क और जो हमारे यहाँ एप्लिक वर्क होता है उसके माध्यम से बनाया गया था। इसको बनाने में भी कई सारे आर्टिजन्स ने अपनी भूमिका निभाई तो उनमें भी एक इस चीज़ को लेकर जागरूकता आई कि हमें भी मतदान करना है और मतदान क्या है, मतदान की भूमिका क्या है लोकतंत्र को सशक्त करने में। इसी के साथ में उन लोगों ने जो रैली भी निकाली और काफ़ी लोगों के साथ में वहाँ पर इस चीज़ को साझा किया है तो लोगों में एक जागृति आई मतदान के लिए। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए बुधवार से सतरंगी सप्ताह की शुरुआत होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन और स्वीप नोडल अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने मंगलवार को सतरंगी सप्ताह के पोस्टर का विमोचन करते हुए वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाने के निर्देश दिए।